दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लूटूथ होम थिएटर को रिपेयरिंग करके इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये बटन काम नहीं कर रहा है। अगर ये ब्लूटूथ मोड में चला गया है, अगर ऑक्स केबल से बजाना हो या एफएम बजाना हो तो यहाँ से मोड को चेंज करते हैं, लेकिन मोड वाला बटन ये काम नहीं कर रहा है। कोई भी बटन यहाँ से हम दबा रहे हैं, देखिएगा तो ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। तो इसको कैसे चेंज करना है, कौन सा बटन इसमें लगेगा, इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस होम थिएटर को बटन को चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको खोलना होता है, लेकिन इसको खोलने के लिए इस साइड देखिएगा, बैक साइड में तो देखिएगा यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ रहता है इसके पीछे, लेकिन यहाँ से तो हम इसको ओपन करेंगे तो बटन तो चेंज होगा नहीं। इसको आगे दिया हुआ है बटन, तो आगे से ही हमको खोलना होगा। तो आगे से खोलने के लिए देखिएगा यहाँ से ये फिक्स रहता है, देखिएगा हम इसको पहले यहाँ पे खोले हुए थे, इसमें स्क्रू ड्राइवर लगाकर ये हल्का सा इसमें शॉक रहता है, तो इस तरह खुलिएगा ना तो ये बहुत आसानी से खुल जाती है। ये चिपकाया हुआ रहता है, इसमें दूसरा कोई नट बोल्ट नहीं लगाया हुआ रहता है, इस तरह खुलिएगा ना तो ये खुल जाती है आराम से। तो दोस्तों इसको हम यहाँ पे खोल दिए, देखिएगा यहाँ पे ये ग्लू से चिपकाया हुआ रहता है, इसलिए इसमें कोई स्क्रू तो लगाया हुआ नहीं रहता है। तो इसको आप इस तरह आगे पीछे करके खोल दीजिएगा, खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके अंदर देखिएगा तो आपको तीन बोर्ड में देखने को मिलेगा, या हो सकता है अगर एक बोर्ड दिया हो तो सब उसी में पार्ट दिया हुआ रहता है। यहाँ पे देखिएगा वैल्यूम का ये किट है, इसमें बटन तो नहीं है। उसके बाद में ये ब्लूटूथ मॉड्यूल किट है जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले ये दिखा रहा है। उसके बाद बीच में ये वैल्यूम है, और ये जो बटन है ना, बटन देखिएगा, ये बटन बटन के लिए यहाँ पे किट दिया हुआ है, इसी बटन के अंदर पे यहाँ पे किट है। यहाँ पे देखिएगा तो एक बटन यहाँ पे लगाया हुआ, दूसरा बटन ये है, तीसरा बटन ये है, और चौथा बटन ये है। इस बोर्ड को पहले हम खोलेंगे, बोर्ड को खोलने के लिए चार स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ, चारों स्क्रू को हम यहाँ से ओपन कर देंगे। जब चारों स्क्रू को यहाँ से खोल दीजिएगा, उसके बाद इस बोर्ड को आप बाहर निकालिएगा। बोर्ड को जब बाहर निकालिएगा तो इसके अंदर देखिएगा चार बटन आपको देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार का ये चारों बटन है। बटन के ऊपर ये कवर लगाया हुआ है, इस कवर को आप पहले बाहर निकाल दीजिएगा। इसमें कुछ इस प्रकार का बटन लगाया हुआ है, तो इस तरह का बटन आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो चार को बटन हम देखिएगा यहाँ पे पहले से मार्केट से खरीद कर लाए हैं, ये ज़्यादा आपको महंगा नहीं पड़ेगा। एक बटन करीब 1 रुपया में मिला, यानी 4 रुपया इसमें खर्चा लगा हुआ है। तो इस बटन को पहले हम निकालेंगे, इस बटन को कैसे निकालना है तो इसके बैक साइड में देखिएगा तो ये सब सोल्डिंग किया हुआ है, यहाँ से पहले इस बटन को डिसोल्डिंग करके निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से चारों बटन को हम डिसोल्डिंग कर दिए, डिसोल्डिंग करके इसमें का बटन भी हम यहाँ से निकाल दिए। उसके बाद में नया वाला बटन लीजिएगा, अगर इसका लेग टेढ़ा मेढ़ा हो तो इसको पहले यहाँ से आप सीधा कर दीजिएगा चिमटा से या प्लायर से। उसके बाद में जिस तरह ये लगाया हुआ था सेम तरीका से इस तरह आपको लगा देना है। चारों नए बटन को हम फिर से दोबारा यहाँ पे फंसा दिए, उसके बाद में आपको सोल्डिंग कर देना है, बस इतना। जब इस पे सोल्डिंग कर दीजिए उसके बाद हम चेक करके भी आपको बताएंगे। जब चारों बटन पे आप सोल्डिंग कर दीजिएगा उसके बाद इसको क्लीन कर दीजिएगा, बढ़िया से क्लीन कर दीजिएगा, और इसमें देख लीजिएगा कोई भी वायर टूटा हुआ तो नहीं है, कोई वायर छूटा हुआ तो नहीं है। जब पूरा कंप्लीट होगा तो फिर इसको कस दीजिएगा। चलिए हम इसको फटाफट कस देते हैं। जब यहाँ से चारों नट को कस दीजिएगा तो इसको पहले इस बॉडी में नहीं बैठाइएगा, पहले एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि ये बटन अब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए इसमें हम लाइन देते हैं, तो इसमें हम लाइन दे दिए, अभी सर्चिंग कर रहा है, सर्चिंग कंप्लीट हुआ, ब्लूटूथ मोड में चला गया। अब यहाँ से हम मोड की बटन दबाकर देखते हैं कि अब चेंज हो रहा है या ना हो रहा है। यहाँ से हम मोड वाला बटन को दबाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे चेंज हो गया, एफएम मोड में चला गया। उसके बाद में फिर दबाएंगे तो ऑक्स मोड में ये चला है, तो इस तरह मोड भी चेंज हो रहा है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे तो अभी तो कोई सॉन्ग इसमें बज नहीं रहा है, सॉन्ग आगे भागे, तो यहाँ से हम इसको साउंड कम ज़्यादा करके देखेंगे। तो इस नेक्स्ट वाला बटन को हम दबा कर रखेंगे तो डिस्प्ले में देखिएगा यहाँ पर साउंड ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू वाला बटन को हम दबा कर देखेंगे, जैसे दबा कर रखेंगे तो देखिएगा साउंड भी यहाँ से कम ज़्यादा हो रहा है।
यानी बटन सब बिल्कुल 100% काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा पॉज भी हो गया, उसके बाद एक बार और दबेंगे तो प्ले भी हो जाएगा, यानी चारों बटन अब कंप्लीट काम कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ज़्यादातर बटन ये खराब हो जाती है, इस बटन में गर्दा मिट्टी जाने के चलते ये बटन बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो इसको धूल मिट्टी से आप बचा के रखिएगा तो जल्दी बटन ये खराब नहीं होता है। अगर गर्दा मिट्टी इसमें जाएगा तो ये बटन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा या पानी जाएगा। तो अब उसके बाद दोस्तों जिस तरह कसा हुआ था कस दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।